एक्सचेंज हो गया। हाँ हाय हेलो कर देते हैं। हाय बात सुन लीजिए जी बताइए। अरे जय पब ऐसा फोटो खींच लेता तो सुबह सुबह ये भी सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? देवरानी जेठानी मंदिर जा रहे हैं। अच्छा महाशिवरात्रि है ना। हाँ हाँ उधर ही बढ़िया। चलो ठीक है भैया तो सुबह सुबह भैया भी सब्सक्राइब कर दिए अपने। सब्जी वाले भैया हैं अपने गली में आते जाते रहते हैं। तो हेलो दोस्तों मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जा रहे हैं आज देवरानी जेठानी मंदिर जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है जो रुद्र शिव प्रतिमा के लिए जाना जाता है। जैसे अपन थोड़ा सा लेट हो गए हैं सुबह जल्दी निकलना था फिर भी से चलते हैं ऐसे मंदिर पर जान नाश्ता कर लेते हैं। कुछ फ्रेंड्स आए नहीं हैं वो लोग भी नाश्ता कर लेंगे और देख सकते अपन फुल रेडी हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर भी मंदिर है यहाँ पूजा पाठ शुरू हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं देवरानी जेठानी मंदिर। ये है रायपुर रोड होते हुए जाना पड़ेगा अपने को लगभग बिलासपुर से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। देख सकते हो इधर भी मंदिर में भीड़ इतना ज़्यादा है आज लगभग सभी मंदिर में बहुत ही भीड़ होने वाला है। क्या पता चलो बढ़िया है एक्सचेंज हो गया। हाँ हाय हेलो कर देते हैं। हाय चलो चलते हैं अब थोड़ा पिलियन एक्सचेंज कर लेते हैं। हाँ ये भाई साहब का अलग ही जलवा है यार। चलो बाजू से मैं भी तो बना रही हूँ अभी अभी रास्ते में रास्ते में रास्ते में बनाया। अब मेरे लिए भी काफी अच्छा फायदे की चीज है भाई तू जाएगा मेरा रील भी बन जाएगा। वैसे अभी क्या देखा रास्ता चलो आगे। अरे एकदम सीधे सीधे ही चलना है ना मैप में तू भी देख सकता है। हाँ देवरानी जेठानी मंदिर जा रहे हैं। अबे धीरे धीरे चल आराम से कैसे दौड़ा रहे भाई ये आराम का मामला है। कितना गंदा मार रहा है। यहाँ से अपन लेफ्ट लेने वाले हैं ये मोतीमपुर। हाँ अरे वो कुछ मरा होगा। चलो 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 हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं देवरानी जेठानी मंदिर वो सामने आप देख सकते हो। और यह है मनियारी नदी के किनारे शायद यहाँ ताला महोत्सव हुआ है तो इसलिए पोस्टर वगैरह लगा हुआ जगह जगह। यह है मनियारी नदी यहाँ पर अगर बरसात के सीजन में ये वाला रास्ता बंद रहता है क्योंकि इसमें पूरा ओवरफ्लो होता है। ये वाला रास्ते पे देख सकते हो पानी अभी बहुत ही कम है। ये सामने मंदिर काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग दिख रहे हैं। इधर ही खड़ा करेंगे गाड़ी को धकेलने जाए यहाँ गाड़ी खड़ा करेंगे
जोर लगाओ जोर लगाओ। हाय लो कर दो ऐसे। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है इधर का नजारा। इधर नाव भी बोटिंग भी होता है, पता नहीं बोटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। पानी तो काफी अच्छा है इधर, पूछ के देखेंगे शायद बोटिंग हो रहा होगा। वीडियो बना रहा है, मैं दोनों करता हूँ एक साथ। मैं समझता हूँ ये कोई है जो जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, मिस्टर लेजी क्या है, मिस क्रेजी। काफी सारे श्रद्धालु होंगे ऐसा लग रहा है, शायद आ रहे हैं, भीड़ तो दिखेगा। अरे क्या गजब यार, उधर भी चढ़ा देते हो क्या? अरे 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 जय पबजी। बाहुबली वाला सीन नहीं है, जय पबजी। चलो पहले उधर जाते हैं। यह मेन ये गार्डन वाले के लिए मेन गेट। ओम दीक्षामा दीक्षामा सिद्धानि ओम ये नमः हाँ क्या बोल रहे हैं? बात सुन लीजिए जी, बताइए। भी नहीं ऐसे ज्यादातर सामान रखा हुआ है ना। अच्छा झांक के देखना पड़ेगा क्या? उठा पटक कर रहे भाई। तो
पहले यहाँ बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, तो देवरानी जेठानी मंदिर अंदर तो गए थे पर उधर समिति वाले लोग वीडियो बनाने नहीं दिए। आज काफ़ी रोक टोक है तो अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए। बाकी बाहर का काफ़ी अच्छा नज़ारा है तो इधर का तो वीडियो बना ही सकते हैं। यहाँ पे चल फिर चल भाई, गर्मी में बहुत खतरनाक है, तो ऐसे ही चट्टान चट्टान है। हाँ हाँ जगह बना ले साले, बस बे इतना भी दिखावा नहीं करना है साले ढोंगी आदमी। ए बाबा जी बीच में बैठो, बगल में दासियां बैठेंगी। अरे रे, और यहाँ पता नहीं कहाँ का पानी आ रहा है, नदी का पानी है क्या? गौर से देखो ये लोग अभी आए हैं देवरानी जेठानी मंदिर के गार्डन में बैठे हुए हैं ये लोग। लोग समस्या समस्या पे विचार कर रहे हैं। नहीं ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ये नहीं बोलने का। बोल तो दिया, अब क्या कर सकते। शॉर्ट सेंटर तो यहाँ पर मस्त वाला कुछ मिलता है। ये देखो भाई ऐसे होते हैं। अरे मैन इन ब्लैक में, मैन इन ब्लैक, हेल्प बॉय, हेल्प बॉय। चश्मा कहाँ है? अरे हेल कर ले यार, हेल कर। ये देख चश्मा कहाँ है? वाह इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास भाई। चल रे रिवर्स मार। श्री शनिदेव मंदिर है,